बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रो बिग यूट्यूब इस्लामिक चैनल की जानब से अपने नाज़रीन को अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का एक इत्तबाए सुन्नत के बारे में एक तारीखी वाक़या बयान करेंगे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माना में खिलाफत में जब मुसलमानों ने समरकंद फतह कर लिया और मुसलमान वहाँ बस गए और अपने घर बना लिए और एक अरसा गुजर गया तो समरकंद वालों को मालूम हुआ कि मुसलमानों ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ हमारे मुल्क को फतह कर लिया है। यानी ये कि सबसे पहले इस्लाम की दावत दें, फिर जिज़िया की पेशकश करें और अगर वो भी मंजूर ना हो तो फिर मुकाबला करें। लिहाजा उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में चंद लोगों को रवाना किया और उन्हें ये बताया कि आपकी फ़ौज ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल किए बगैर समरकंद को फतह कर दिया है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने समरकंद के काजी को हुक्म दिया कि अदालत कायम करो, फिर अगर ये बात सही साबित हो जाए तो मुसलमान फौजों को हुक्म दें कि समरकंद छोड़कर बाहर खड़ी हो जाएं, फिर इस सुन्नत पर अमल करें। चुनाचे काजी ने ऐसा ही किया, वो बात सही साबित हुई तो मुसलमानों ने समरकंद खाली कर दिया और शहर से बाहर जाकर खड़े हो गए। जब वहाँ के बुत परस्तों ने मुसलमानों का ये अदल व इंसाफ देखा जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती तो उन्होंने कहा कि अब लड़ाई की ज़रूरत नहीं, हम सब मुसलमान होते हैं। चुनाचे सारे का सारा समरकंद मुसलमान हो गया। जज़ाकुमुल्लाह अहसन अल जज़ा। अल्लाह ताला समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मज़ीद जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। वीडियो को आखिर तक सुने ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।